नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि, आपका देव रुचि ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाजरा की टिक्की। तो बाजरा की टिक्की ज़्यादातर सर्दियों में ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं आपके साथ आज बाजरा की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया था बाजरे का आटा और ये ले लिया है गुड़। तो जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से गुड़ लीजिएगा, और गुड़ में ऐड करना है हमें पानी। तो यहाँ पे इतने से गुड़ में मैंने करीब आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इसको हम रख देंगे गैस पे और थोड़ा सा गर्म होने तक, पिघलने तक, और गैस पर ही रखेंगे। तो ये देखिए ये दोस्तों पिघल चुका है, और अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक मैं रख देती हूँ गैस पर घी गर्म करने के लिए। ये डालडा है, घी नहीं है, तो डालडा में ही मैं सेकूंगी इसको। तो ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी आगे की तैयारी। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे थोड़े से तिल, क्योंकि बाजरा की टिक्की में तिल से स्वाद अच्छा आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ले लिए हैं थोड़े से तिल। ये आधी कटोरी से भी कम तिल हैं, तो अपने आटे के हिसाब से आप तिल लीजिएगा। और ये ऐड कर देती हूँ मैं इस आटे में, और आटे में ऐड करने के बाद तिलों को थोड़ा सा आटे में मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि एक जगह इकट्ठा ना हो तिल जो है। और इसके बाद जब हम इसे अच्छे से मिला लें, तो जो हमने घी गरम किया था यानी कि डालडा गरम किया था, तो करीब 2 चम्मच डालडा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डालडा ऐड कर ही देती हूँ। तो 1 चम्मच मैं डाल चुकी हूँ, 1 चम्मच और ऐड कर देती हूँ, और इसके बाद हम जो है इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कहीं गरम, ज़्यादा गरम ना हो आपका घी, तो कहीं आप लोग हाथ ही जला लें, तो इसलिए जब हल्का सा ही ठंडा ठंडा सा ही डालिएगा, ज़्यादा गरम मत डालिएगा, हल्का गुनगुना सा डालिएगा। और इसको अच्छे से अब हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, तो इसमें गुठली ना पड़े और अच्छे से ये पूरे आटे में मिक्स भी हो जाए, इस तरीके से मिलाइएगा। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए ये मैं कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो हमने गुड़ का सिरप बनाया था। अब वो हल्का हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो हल्का हल्का गुनगुना ही डालिएगा। तो जब हल्का हल्का गुनगुना सा आप डालेंगे, तो उससे जो है आपने जो घी डाला था वो पिघल जाएगा और अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं तो घी वगैरह बहुत जल्दी जम जाता है। तो हल्का हल्का आप इसे मिलाते जाइए और हल्के हल्के इसे हाथों से मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा कम है इसमें, तो अभी मैं इसमें और डाल लेती हूँ। और ये क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी गाइज, क्योंकि मैं हाथ से किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन है, तो मैं उससे वीडियो शूट करती हूँ और एक हाथ से काम करती रहती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आटा हमें सॉफ्ट डो जो है बना लेना है बाजरे का। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, तो जैसा हम रोटियों का बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके का बनाइएगा। अब जो है हम लोई ले लेके और छोटी छोटी सी टिकिया इससे बना लेंगे। तो अगर आप इससे चकले बेलन पे नहीं बनेंगी, तो आप हाथ से हथेली की मदद से इसे थप थप करके और बनाइए। तो ये देखिए ये मैं इसमें घी में डाल कर देखे लेती हूँ कि ये घी इसके लायक है नहीं है गरम, तो इतना गरम हो जाना चाहिए घी के ये अच्छे से सिक जाए, और ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, नहीं तो एकदम से जल जाएंगी और अंदर से सिक नहीं पाएंगी। तो घी डालने का एक प्रॉफिट ये भी होता है आटे में कि जो आपकी बाजरे की टिक्की बनती है तो वो एकदम खस्ता बनती है। तो ये देखिए ये 2 टिक्की मैंने सेक ली हैं और ये एकदम से खस्ता बनी हुई है। तो मैं और टिक्कियाँ भी सेक लेती हूँ और फिर आपसे आगे मिलती हूँ। तो ये देखिए गाइज इस तरीके से मैंने बिल्कुल मीडियम और मीडियम फ्लेम है इसकी, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है और ना ही लो है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।